वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक काउंटर डिस्प्ले सिस्टम दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम क्यू मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। ये आपने जनरली रेस्टोरेंट या बैंक या किसी हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक में देखा होगा, जहाँ पर भी वेटिंग एरिया होता है वहाँ पर इसका यूज़ करा जाता है। अभी ये जो एप्लीकेशन हमने यूज़ करी गई है, इसमें दो डिस्प्ले है अलग अलग। ये देखिए, ये डिस्प्ले अलग है, ये डिस्प्ले अलग है, और दो रिमोट है अलग अलग। ये रिमोट अलग है, ये रिमोट अलग है। यहाँ पर क्या है, जिस कस्टमर को हमको ये देना है उनको सेम टोकन नंबर डिस्प्ले पे शो करना है, बट इनके रूम नंबर दो है, इसलिए हम इनको दो रिमोट दे रहे हैं। और यहाँ पर जो आपको काउंटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर काउंटर नंबर वन दिखाई देगा अगर वन नंबर प्रेस करेगा, और काउंटर नंबर टू दिखाई देगा अगर टू नंबर इसको प्रेस करेगा, और यहाँ पर इसका टोकन नंबर शो होगा। इसका मैं आपको सबसे पहले वायरिंग कनेक्शन बता देता हूँ कि किस टाइप से वायर कनेक्ट करा जाता है। ये देखिए, यहाँ पर एक एडाप्टर लिया गया है, इस एडाप्टर को हमने एसी वोल्टेज दिया गया है, यहाँ से इसका पावर आएगा जो कि सीधे डिस्प्ले के इनपुट में चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमको डिस्प्ले के किसी भी एक इनपुट में देना है, सेम कनेक्शन यहाँ पर भी, सेम कनेक्शन यहाँ पर भी है, और यहाँ पर स्विच दिया गया है। अब मैं इसका डाटा केबल कनेक्शन आपको बता देता हूँ। आपको एक कैट सिक्स केबल, अच्छी वाली क्वालिटी की केबल लेना है। उस केबल का कनेक्शन आपको सिमिलर करना है सारे सिस्टम के अंदर। देखिए, ये जो रिमोट है, इस रिमोट में एक केबल हमने यहाँ से ऐसा घुमा के इसमें कनेक्ट करिए, यहाँ से एक केबल लेके इस डिस्प्ले में गई है, और एक केबल जाके इस डिस्प्ले में गई है। इस जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर में चार पोर्ट है, 1 2 3 4, आप देख सकते हैं। वन नंबर पे जो वायर कनेक्टेड करा गया है, वही आपको सभी के वन नंबर पे सेम कलर वाला वायर कनेक्ट करना है। टू नंबर पे भी आपको सेम वायर कनेक्ट करना है सेम कलर का, थ्री नंबर पे भी सेम कलर का वायर कनेक्ट करना है, और फोर्थ नंबर पे भी सेम कलर का वायर कनेक्ट करना है। यहाँ आप देख सकते हैं, वन नंबर पे ब्राउन कलर का वायर कनेक्टेड करा गया है, तो यहाँ पर भी वन नंबर पे ब्राउन कलर है। टू नंबर पे ग्रीन कलर का वायर कनेक्ट करा गया है, तो यहाँ पर भी टू नंबर पे ग्रीन कलर का वायर कनेक्टेड करा गया है। थ्री नंबर पे ब्लू वायर कनेक्ट करा गया है, तो यहाँ पर भी थ्री नंबर पे ब्लू वायर कनेक्टेड है। फोर्थ नंबर पे ऑरेंज वायर कनेक्ट करा गया है, तो यहाँ पर भी फोर्थ नंबर पे ऑरेंज वायर कनेक्ट करा गया है। सिमिलर आपको कनेक्शन इस डिस्प्ले में भी वैसा ही करना है। देखिए, इसमें भी आपको 1 2 3 4 दिखाई दे रहे होंगे। वन नंबर पे आपको कनेक्ट करना है ब्राउन, टू पे ग्रीन, थर्ड पे ब्लू, और फोर्थ पे ऑरेंज। ये सारा कनेक्शन आपको दिखाया गया है। एक वायर यहाँ से ऐसा आया है, इससे एक और वायर हाथ पे कनेक्ट करा गया है शॉर्ट करके, जो कि इस डिस्प्ले में गया है, और इस डिस्प्ले से एक वायर कनेक्ट करा गया है जो याले डिस्प्ले में गया है। अब ये देखिए, आप जितना चाहे उतना इस लंबा वायर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके रूम अलग अलग है तो आप इस वायर को एक्सटेंड करिए, और एक रिमोट एक रूम में लगाइए, दूसरा रिमोट दूसरे रूम में लगाइए, और ये जो डिस्प्ले आपको जहाँ भी चाहे, वेटिंग एरिया जहाँ पर है वहाँ आप इसको लगा सकते हैं। अब हम इसका पावर कनेक्शन ऑन करते हैं, तो ये देखिए डिस्प्ले में पावर आ गया है। देखिए, यहाँ पर टोकन नंबर शो कर रहे हैं 7, और काउंटर नंबर 2 बता रहा है, दोनों में सेम आएगा रीडिंग। जो डिस्प्ले दोनों दिखाई देंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई देंगे। अगर 7 नंबर यहाँ चल रहा है तो 7 नंबर यहाँ भी दिखाई देगा, और जिस रिमोट ने प्रेस करा है वो काउंटर यहाँ पर आपको शो होगा। ये देखिए, ये रिमोट है, ये रिमोट में आपको दिख रहा है। अब ये देखिए, ये है रिमोट नंबर 1, ये है रिमोट नंबर 2। जब रिमोट नंबर 1 से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर काउंटर नंबर 1 दिखाई देगा, और जब रिमोट नंबर 2 से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर काउंटर नंबर 2 दिखाई देगा। अब हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं कि किस टाइप से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। यह बटन दिख रहा है आपको इंक्रीमेंट का, इसको आप दबाएंगे। काउंटर नंबर 1, टोकन नंबर 8, काउंटर नंबर 1, टोकन नंबर 8। अभी देखिए, आपको काउंटर नंबर 1 दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर रिमोट ने प्रेस करा है। अब अगर 2 नंबर इसको प्रेस करता है तो यहाँ पर काउंटर नंबर 2 दिखाई देगा। काउंटर नंबर 2, टोकन नंबर 9, काउंटर नंबर 2, टोकन नंबर 9। यहाँ आप देख सकते हैं, एक बार जो ये स्पीकर है इसमें हमको एक बार इंग्लिश में आवाज़ आ रही है, एक बार हिंदी में आवाज़ आ रही है। इस रिमोट की मदद से आप आपकी लोकल लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं,
और ये 24 घंटे के बाद में जो ये टोकन डिस्प्ले आपको शो कर रहे हैं 9, 10, 11 जितने भी आपके पर डे होंगे, तो ये 24 घंटे में ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा और नेक्स्ट डे आपका जीरो से स्टार्ट होगा। अभी देखिए, अगर आपको रेंडमली कोई नंबर को कॉल करना है कोई, अगर ये तो आप इंक्रीमेंट से 9, 10, 11, 12, 13 बता सकते हैं, बट अगर आपको रेंडमली किसी नंबर को, किसी VIP को बुलाना है, तो आप उसको कैसे करेंगे? आपको ये स्टार्ट का बटन प्रेस करना है और रेंडमली कोई सा भी एक नंबर आपको टाइप करना है और यहाँ पर सेंड का बटन प्रेस करना है। तो देखिए, ये आपको एक रेंडमली एक नंबर शो कर रहा है। अब इसके बाद अगर आप इंक्रीमेंट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर 157 नहीं आएगा, जो आपका नंबर पुराना छूटा गया था उसी के बाद से इंक्रीमेंट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इस नंबर से मैं इसको इंक्रीमेंट का बटन दबाऊंगा तो ये देखिए, ये आपको 9 के बाद 10 आ रहा है। थैंक यू ऑल। आप सभी को अगर इस टाइप से किसी भी कस्टमाइज टोकन डिस्प्ले सिस्टम, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कंपनी का नाम है टेक गियर टेक्नोलॉजीज, इंदौर मध्य प्रदेश। आप हमको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9109991908 पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।